दोस्तों बहुत सारे बिजनेस के बारे में हमारे मन में ऑलरेडी एक प्लान बन जाता है, एक ढांचा बन जाता है कि वो बिजनेस करने लायक नहीं है, उसमें पैसे का रोटेशन नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी बिजनेस में हम अपनी मेहनत को लगा देते हैं, अपने सच्ची सूझबूझ को लगा देते हैं, तो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग स्टॉल बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि स्टॉल बिजनेस तो करने लायक होता ही नहीं है, रोज का 200-500 निकल जाए ये बहुत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वही स्टॉल बिजनेस आपको रोज 3,000, 5,000, 10,000 रुपए तक दे सकती है। बस सही तरीके के बिजनेस को चुनकर सही तरीके से रन करने की जरूरत होती है। दोस्तों शहर में हम लोग देखते हैं कि ठेलों पर, छोटे छोटे स्टॉल्स पे बहुत सारे बिजनेस को लोग करते हैं अपने आजीविका को चलाने के लिए, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो अपने जिंदगी को और सुदृढ़ बना रहे होते हैं उसी छोटे से स्टॉल से। तो दोस्तों क्यों ना अपने दिमाग को हम लोग इसमें लगाएं। अगर हम लोग एक स्टॉल डाल लेते हैं, आने वाले वक्त में बहुत सारे स्टॉल के माध्यम से हम रेस्टोरेंट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज मैं मोमो स्टॉल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। इस बिजनेस के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर इस कारोबार को आप शुरू करते हैं, इसको करने की लालसा रखते हैं, तो बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बस ध्यान रहे कि जब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, काफी ईमानदारी से, बेहतर स्वाद के साथ और कम प्राइस में मार्केट में उतारें खुद को, जिससे आप देखते ही देखते तरक्की करेंगे। दोस्तों अगर एक 10 रुपए वाली प्लेट के मोमो के पीछे लागत की बात करेंगे, तो उसके पीछे लगभग 3 रुपए की लागत आती है, और इसको 10 रुपए में बेचते हैं यानी टोटल 7 रुपए से लेकर 8 रुपए तक की बचत होती है। अगर हम लोग उसको 7 रुपए भी मान लें और दिन भर में 100 प्लेट 10 रुपए वाली बिकनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी 700 रुपए आपको वहां से अर्निंग होगी। अगर उसको दोस्तों फ्राई करा लेते हैं, तो फ्राई मोमो 5 रुपए बढ़ाकर यानी 15 रुपए के हिसाब से बिकती है, जबकि लागत तो 3 ही रुपए आने वाली है। उसी कच्चे मोमो को क्या करते हैं, फ्राई करके दे देते हैं, यानी लागत 3 रुपए बेच रहे हैं 15 रुपए में, यानी 12 रुपए का मुनाफा वहां होता है। अगर इस हिसाब से 50 प्लेट भी एक दिन की बिक जाती है, आपको अपने स्टॉल को कॉलेज के बाहर, किसी कोचिंग के बाहर, किसी स्कूल के बाहर लगानी चाहिए, जहां पर इसकी सेलिंग ज्यादा हो। दोपहर में भी सेलिंग होती है, लेकिन शाम से लेकर के रात तक में ज्यादा सेलिंग होती है। तो 12 रुपए बचत के साथ अगर आप 50 प्लेट बेचते हैं, तो 600 रुपए वहां से आपकी अर्निंग होगी। अब दोस्तों पनीर मोमो बनता है, पनीर मोमो को बनाने में 5 रुपए की लागत आती है, जिसको आराम से मार्केट में 15 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है, यानी बचत पूरा पूरा 10 रुपए का होता है। अगर एक दिन में 20 प्लेट पनीर मोमो बिक जाए, तो इससे आपको 200 रुपए की अर्निंग होगी। दोस्तों चिकन मोमो लोग बनाते हैं, चिकन मोमो की जो लागत आती है वो 7 रुपए की होती है, 20 रुपए में बेचते हैं यानी 13 रुपए वहां से बचत करते हैं। अगर दिन भर में 30 प्लेट भी बिक जाए, नॉनवेज खाने वालों की संख्या ज्यादा है, तो यहां से 30 से ज्यादा प्लेटें बिकती है, लगभग 50 बिक जाती हैं, फिर भी 30 पे कैलकुलेशन की जाए तो 390 रुपए की बचत यहां से होती है। उसी में लोग चिकन मोमो को फ्राई कराते हैं, फ्राई कराने के बाद वही चिकन मोमो लागत आपको मात्र 7 रुपए की आ रही है, लेकिन 5 रुपए कॉस्टिंग बढ़ जाती है, 25 रुपए पर प्लेट के हिसाब से सेलिंग हो रही है, यानी 18 रुपए बचत के साथ अगर 20 प्लेट भी बेच दिया जाए, तो 360 रुपए वहां से अर्निंग होगी। अब अगर दोस्तों सभी प्रॉफिट्स को जोड़ दिया जाए, तो एक दिन में 2250 रुपए की कमाई होगी, यानी महीने भर में 67,500 रुपए। अब ये बताइए, 60,000, 50,000 अर्निंग कर रहा है कोई आदमी स्टॉल डालकर, तो क्या वो बिजनेस खराब है? उनको शाम को 3-4 बजे से अपने स्टॉल को कहीं पर लगाना है, और रात को वही 8-9-10 बजे तक, जब तक मार्केट है, वहां पर खड़े रहना है, सेल करते रहना है। बनाकर तो आप अपने घर से ही लेकर गए हैं, वहां बस सेल कर रहे हैं। अब आपने शुरुआत मोमो से करी है, आने वाले वक्त में पाव भाजी, पोहा, ब्रेड पकौड़ा, छोला भटूरा, इस तरह से बहुत सारी चीजों को आप सेल कर सकते हैं। अपने ही बगल में जहां आपने ठेला को लगाया हुआ है, उसी के अगल बगल में एक दो और ठेलों को लगा सकते हैं। कुछ अपने साथ एम्प्लॉय को रख लीजिए, जो काम करेंगे अपने नजर के सामने, उनसे काम कराइए, उनको सैलरी दीजिए। और अगर ये नहीं, तो आप ये जो मोमो की ठेला आप लगाए हैं, इसके बाद सीधे कोशिश करिए कि एक कमरा लेकर होटल की ओर आगे बढ़ा जाए, जहां फास्ट फूड की तरफ आगे मूव करेंगे, यानी चाउमीन हो गया, चाइनीज आइटम जो भी हो गया, इन सारी चीजों का क्रेज अभी दौड़ में बहुत तेज हो गया हुआ है, तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। दोस्तों फूड इंडस्ट्री काफी पोटेंशियल भरी इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बिजनेस बताया है, इसको आप अपने स्तर से रिसर्च कीजिए, आज ही जाइए मार्केट में, बात कीजिए किसी मोमो वाले से, उनसे बात कीजिए कि क्या वो किस तरह से मोमो को बनाते हैं, वो ट्रेनिंग के रूप में भी आपको कुछ ना कुछ समझा देंगे। लागत जो होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो बहुत कम होती है, जबकि ये 200-300% तक का आपको रिकवरी दे देती है। तो इस बिजनेस के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर मैं बेहतर कंटेंट आपको दे रहा हूँ यूजफुल, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलता हूँ एक बेहतरीन आइडिया के साथ अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।